भाई। लाइव आ जाओ भाई, सभी बच्चों लाइव आ जाओ। हाँ लाइव आ जाएं भाई सभी बच्चे।
लाइव आ जाओ भाई। ठीक भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते सबको, नमस्ते। स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को, स्टार्ट करता हूँ नाउ। क्रैक सी डी एस एफ कैट एंड सी ए पी एफ इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सो ऑल यू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन एसेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। नाउ अबाउट मी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ मैं और फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। दिस इज गौरव सिंह एंड आई हैव मोर देन 7 इन टीचिंग एक्सपीरियंस। I qualified NDA, CDS and UPSC Civil Services and I have keen interest in teaching and given more than 500 plus selection in various government jobs. Rahul, pranam. क्या हाल है भाई राहुल, बहुत दिनों बाद मिले हो आज। तो मैं आपको बच्चे इस चैनल पर साइंस पढ़ाऊंगा और साइंस का आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए अन अकेडमी के बारे में। नाउ आपको अन अकेडमी में बच्चे क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं और अनलिमिटेड एसेस मिलता है। क्या बताऊं भाई, धीरज क्या पूछ रहे हो तुम? नोट्स के तो नहीं कह रहे थे? तो बच्चे आप सभी अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें, इस पर भी मेरी लाइव क्लासेस आती हैं, स्पेशल क्लास इस पर भी मैं लेता हूँ अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। तो इसको इंस्टॉल कर लें, इसको इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। टेलीग्राम ऐप की बात करूँ तो इस पर डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट इस नाम से एक चैनल है, पढ़ने से कितने नंबर आएंगे पढ़ने से भाई, पढ़ने से ही नंबर आएंगे। तो तुम क्या चाहते हो, सीधा शॉर्टकट एंट्री मारना? है भाई, शॉर्टकट एंट्री मारना चाहते हो? देखो बच्चों, सी डी एस एफ कैट और सी ए पी एफ का सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 7,920 रुपये का है, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 11,520 रुपये का है, ठीक है। और आप कोई भी सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो उसमें आपको एक कोड यूज़ करना है GS01, चाहे आप दिल्ली पुलिस के लिए करें या किसी भी चीज़ के लिए करें। तो ये वाला जो, ये जो पैसे हैं दिल्ली पुलिस के पैसे नहीं हैं, ये सी डी एस के पैसे हैं, दिल्ली पुलिस के और भी कम होंगे। अच्छा, 10 में से लूसेंट में से कितने आ जाएंगे? अच्छा इसकी बात करें तो पूरा जवाब लिखो ना, पूरा जवाब लिखो भाई।
लूसेंट में से पढ़ने से आपके आ जाएंगे, कम से कम भी आ जाएंगे तो 7 नंबर तो आ ही जाएंगे, कहीं नहीं है। ठीक है, लूसेंट को पढ़ने से कम भी 7 नंबर तो आ ही जाएंगे। पहले लूसेंट तो पढ़ ही लो, टाइम बचेगा तो और बुक्स पढ़ लेना। ठीक है भाई, देखो भाई पहले सब्सक्रिप्शन बता देता हूँ मैं, ये कुछ बातें हैं जो बतानी जरूरी हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई सीडीएस एफ कैट और सीएपीएफ की सब्सक्रिप्शन की। इस एग्जाम को कौन लेता है? यूपीएससी लेता है। कौन लेता है बच्चे इस एग्जाम को? यूपीएससी लेता है। तो 12 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं 7,920 रुपये का आता है, और इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है GS01। इस कोड का यूज़ करें, इस कोड को यूज़ करेंगे तो 10% का आपका फीस में डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो 1 साल की फीस इतनी है 7,920, ये सिर्फ CDS वाले के लिए है ना, CDS FCAT और CAPF के लिए है। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए देखेंगे तो और भी कम फीस होगी, इतनी ज़्यादा फीस नहीं होगी दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो आप कोई सा भी कोर्स परचेस करते हैं तो उसके लिए आप कोड यूज़ करना है GS01। तो इस कोड का यूज़ करके बच्चे, इस कोड का यूज़ करके आप स्पेशल 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी है टॉपिक आज। ठीक, आज का टॉपिक रहेगा बच्चे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, तो आपको बिजली कड़कती दिख रही होगी भाई, तो आज का टॉपिक है बिजली इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, और ये फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक रहेगा भाई? आज का जो टॉपिक है ये फिजिक्स का टॉपिक रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे? कूलाम का नियम या कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो जो कूलाम्स लॉ है, कूलाम्स का जो नियम है बच्चे, वो क्या है? कूलाम ये कहते हैं कि, देखो भाई सॉरी, गुलाम देखो बच्चे क्या कहते हैं? गुड नाइट, गुड नाइट। धीरज जागर, गुड नाइट। तो गुलाम बच्चे क्या कहते हैं? गुलाम ये कहते हैं, जैसे मान लो ये एक चार्ज है और एक चार्ज है, दो चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लो ये चार्ज है बच्चे Q1, और ये चार्ज कौन सा है? Q2। तो दो चार्ज जो है एक दूसरे से अगर r दूरी पर रखे हैं, तो गुलाम कहते हैं कि इन चार्जेस के बीच में या तो बच्चे अट्रैक्शन हो जाएगा या फिर रिपल्शन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है चार्जेस कैसे हैं। अगर बच्चे ये दोनों चार्जेस कैसे होंगे? अनलाइक चार्जेस होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। और दोनों अगर लाइक चार्जेस होंगे, मान लो दोनों नेगेटिव हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। तो कूलाम्स कहते हैं, निशांत कुमार क्या हाल है जी? तो कूलाम्स क्या कहते हैं? कूलाम्स कहते हैं कि कोई भी दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। ठीक है, कोई भी दो चार्ज एक दूसरे, अगर कोई वो दो चार्ज आर दूरी पर रखे हैं, तो वो तो या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या उसमें रिपल्शन फोर्स लगेगा। और वो जो फोर्स लगेगा, जो किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के, मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के, और इनवर्सली प्रपोर्शनल होगा उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन दोनों को बच्चे आप कंबाइंड कर दो, तो कंबाइंड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 upon r² आ जाएगा। ठीक है, ये हटा दो, प्रपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो क्या आ जाएगा? 1/4 πf₀, ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, और फिर क्या आ जाता है? Q1 Q2 upon r², ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही बच्चे क्या है? यही कूलाम्स लॉ है, कूलाम्स की इक्वेशन है। ठीक है भाई, तो जो फोर्स बच्चे दो चार्जेस के बीच में लगता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? बताओ भाई, जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं भाई? किसी का जवाब नहीं है। तो जो फोर्स बच्चे दो चार्जेस के बीच में लगता है उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं उस फोर्स को। ठीक है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? रुको भाई। अब आ रही है। आ रही है भाई? अच्छी आ रही है, बेकार? ठीक है। ठीक है भाई, सेक्सी है ना? ठीक है, ठीक है भाई, चलो चलो ठीक। तो हाँ, हम बात कर रहे थे बच्चे कूलम्स लॉ की। हम बात कर रहे थे भाई कूलम्स लॉ की। ठीक है, एक मिनट लुकी जाओ। हम बात कर रहे थे बच्चे कूलम्स लॉ की। तो जो कूलम्स लॉ होता है, ये जो कूलम्स लॉ होता है ना, याद रखना। तो कूलम्स लॉ का मैंने आपको स्टेटमेंट बता रही है, इसका फॉर्मूला है। तो के की जगह कांस्टेंट आता है, जो मैंने आपको बताया अभी, 4πε₀। और इस 4πε₀ की वैल्यू होती है क्या? 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इसकी वैल्यू होती है 1/4πε₀ की। तो आप ये भी कह सकते हैं जो कूलम्स लॉ है उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, 9×10⁹ q₁ q₂/r²। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हो सकता है भाई। अच्छा, यहाँ से एक और बात आप समझ सकते हैं। क्या बात समझ सकते हैं? कि अगर एक एक कूलम के दो चार्ज, मान लो एक कूलम का यहाँ पे रखा है और एक कूलम का यहाँ पे रखा है, तो एक एक कूलम के दो चार्ज अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? अगर एक एक कूलम के दो चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? r की जगह एक कर लो। अगर एक एक कूलम के दो चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, अगर एक एक कूलम के दो चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? इतना टाइम? अरे भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक रख दो। अरे हमें चार्ज कितना दे रखा है? एक दे रखा है ना, एक कूलम ही है, Q2 भी एक कूलम है और डिस्टेंस भी दोनों के बीच की एक है, तो ये तो पूरा एक हो जाएगा, बचेगा क्या? ये बच जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? 9×10⁹ न्यूटन। ठीक है। हाँ राहुल, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। हाँ, मैंने बाद में एक कर दिया था, बाकी आपने r² लगा दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चे, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, एयरफोर्स की तैयारी कैसी चल रही है और पेपर कैसा गया तुम्हारा? बहुत दिन से बातें नहीं हुई तुमसे, तुम्हारे पूरे बैच से। तैयारी कैसी है भाई एयरफोर्स की, एनडीए की? ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया ये बात तो यस बोल दो। अगर भाई सबको बात समझ में आ गई तो यस बोल दें। सबको बात समझ में आ गई जो मैंने अभी समझाई? हाँ, पेपर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब हो जाएगा पेपर, जल्दी हो जाएगा।
समझ में आ गई भाई। और भी बच्चे जवाब दें जो भी लाइव हैं, इतना टाइम क्यों लगाते हो यार तुम लोग। चलो मैं आगे चल रहा हूँ भाई, नहीं बोल रहा कोई तो, एक बच्चे ने बोला बस राहुल ने। अब मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, एक सा सिंपल सा मतलब समझ लो। जो लाइक चार्जेस होते हैं बच्चे, लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे आवे, जैसे प्लस प्लस ऐसे मान लो, प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज, तो एक जैसे आवेश हैं। तो जो एक जैसे आवेश हैं तो इनके बीच में हो जाता ब्रेकअप। क्या हो जाता भाई? ब्रेकअप हो जाता, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके बीच में हो जाता पैचअप। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यही बस स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज विल अट्रैक्ट इच अदर एंड सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज विल रिपेल इच अदर। तो जो अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक अट्रैक्ट करेगा, ठीक है भाई। पॉजिटिव और पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेगा। और अट्रैक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और कोई इधर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट दो केसेस में होगा, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के साथ हमने कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट कर देता है। ये बात आई समझ में कि नहीं भाई? ठीक है ना, चलो आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ बच्चे। आगे है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चे क्वांटिटी से, क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटिटी से होता है। क्वांटिटी का मतलब है कि चार्ज कितना है, ठीक है भाई। तो Q बराबर एनी, ये फॉर्मूला होता है, इसका मतलब आप थोड़ा समझें। जैसे एक पेन मान लो 5 रुपए का है, तो 10 पेन कितने के हैं? 10 पेन कितने होंगे? 10 × 10 कर दोगे तो 50 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार से E जो हुआ है यहाँ पर, E क्या है? E मतलब है चार्ज ऑन एक वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E डिनोट करा जा रहा है। कितना होता है? 1.6 माइनस का इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। एंड क्या भाई? नंबर ऑफ चार्जेस, जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 है। अगर एन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एन ही हो जाएगा। तो इसी को हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बताओ कि एक कूलम्ब चार्ज में, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये क्वेश्चन है बच्चे, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलाम? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलाम? क्यू बराबर एनी है और पूछा है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना क्या है? एन, एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू 1 दे रखी है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। यहाँ भी सी है, सी से सी कट जाएगा। इसे सॉल्व कर लो भाई, 1 अपॉन 1.6 × 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19 आ जाएगा। 1.6 इसको 0 से, ये 10 आ गया। दो बार काट दो 5 और 8, 8/5 इसे काट दोगे तो 0.625 ये आ जाएगा। तो एक पॉइंट बच्चे आगे ले गए तो क्या आ जाएगा? 6.25। तो यहाँ से बच्चे एक पॉइंट आगे ले गए तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात आई भाई समझ में? एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ बिल्कुल आएगा भाई, फिजिक्स का चैप्टर आएगा।
है, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना इस चैप्टर के, तब आप मत देखना अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो सिर्फ, तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो देखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी तो देख ही लो, थ्योरी आएगी। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करता है, आई बराबर क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो, तो जहां भी टी आ जाता है उसका मतलब होता है रेट या एकांक मान होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, उसे हम करंट कहते हैं। तो एकांक समय में बहने वाला आवेश, एकांक समय में बहने वाला आवेश क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अब इसकी SI यूनिट की बात करते हैं, तो क्यू बाई टी, तो क्यू, क्यू का SI मात्रक, चार्ज का SI मात्रक कूलम होता है और समय का SI मात्रक सेकेंड होता है। तो करंट का जो धारा है, विद्युत धारा, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होगा वो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड, ठीक है। और जिस साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया था उनके सम्मान में हमने कूलाम पर सेकंड ये क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, एम्पियर लिखते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। तो एकांक समय में बहने वाला आवेश की क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, ठीक है। एकांक समय बहने वाला आवेश क्या कहलाता है बच्चे, करंट कहलाता है, ठीक है। इस बात को यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है आपको I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये लिख रखा है बच्चे, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। और करंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर्ड इन एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बहने के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और इसको किस में नापा जाता है, इसको एम्पियर में नापा जाता है, किस में नापा जाता है बच्चे, एम्पियर में नापा जाता है। जहाँ पे I जो है, ये I, I का मतलब यहाँ करंट है, यहाँ लिख रखा है। Q इज अ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसका मात्रक कूलाम होता है। T इज अ समय, इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है भाई। जबकि करंट को मापने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं बच्चे, एमीटर का। करंट को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का। और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखो यहाँ लिखा भी है, मेजर्ड बाई कनेक्टिंग एन एम्पियर एमीटर एंड इन सीरीज टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसको हमेशा हम सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बतानी जरूरी थी। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ और बातें देखो, कुछ बातें और बता देता हूँ। देखो भाई, जो करंट है और जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बहते हैं। करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बहते हैं हमेशा। जैसे ये सर्किट मैंने बनाया है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। जो करंट होगा हमेशा करंट उल्टे डायरेक्शन में बहेगा, ऐसे बहेगा, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन आई की हुई, करंट की हुई, और ये वाली डायरेक्शन क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की हुई। तो ये भी याद रखना आप, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या बहता है, ये रहा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या बह रहा है, करंट बह रहा है, क्या बह रहा है, करंट बहता है, आई बहता है। और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ये बात आई भाई समझ में सबको, ये बात आई कि नहीं, आगे तो यस बोल दो और वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। और भी बच्चे यस बोल दो भाई, जिसको समझ में आ गई यस बोल दो, एक मिनट रुको। Thank you.
हाँ भाई ठीक है ठीक है। पानी खत्म हो गया था बोतल में, पानी पीने चले गए थे भाई। ठीक है चलो, तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे बच्चे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, या इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, विद्युत विद्युत विभव, क्या कहते हैं भाई, इसे हम विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। देखो भाई, किसी चार्ज को इस फिगर से समझो, ये तो आपको नोट्स की तरह आप उतार सकते हो इसको, इस फिगर से समझो, किसी आवेश को बच्चे, किसी आवेश को अनंत से, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन लगता है, ये वाला जो पॉइंट बनाया ना फिक्स पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है भाई, फिक्स पॉइंट है। तो किसी एक आवेश को अनंत से, इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे जो लाने में लगा हुआ आवेश है, ठीक है, लगा हुआ जो वर्क डन करना पड़ा, उसे ही हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज को अनंत से किसी एक फिक्स पॉइंट पर, स्थित बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है, वर्क डन है, उसे हम क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहेंगे या विद्युत विभव कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, विद्युत विभव कहेंगे। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को बच्चे डिनोट करते हैं वी से, किससे डिनोट करते हैं भाई, वी से। V बराबर होता है W अपॉन में Q, V बराबर क्या होता है, W अपॉन में Q। वर्क, वर्क का मात्रक होता है जूल और चार्ज का मात्रक होता है कूलाम। वर्क का मात्रक जूल, चार्ज का मात्रक कूलाम, और इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है भाई, इसको कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, वोल्ट। तो विभव का मात्रक जो है, SI मात्रक, वो क्या होता है बच्चे, वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चे, वोल्ट होता है, याद रखना। ठीक है भाई, तो किसी एक पॉइंट चार्ज को, किसी एक बिंदु आवेश को अनंत से किसी एक फिक्स पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये सारी बातें हैं। अब मैं आपको कुछ और पिन पॉइंट बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है इनफाइनाइट पर है, इस पॉइंट का कोई नाम नहीं दे रहा, बस आप ऐसे लिख समझ लो, तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर रखा, अनंत पर रखा, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है, इस चार्ज जो अनंत पे चार्ज रखा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज को यहाँ से, देखो भाई, इस चार्ज को बच्चे यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, अनंत से किसी स्थित बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विद्युत विभव कहेंगे। तो देखो भाई, हमेशा याद रखना, साइंस में अनंत जैसा कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये थ्योरेटिकल है बस, मतलब इनका रियल लाइफ से लेना देना कुछ नहीं है। मतलब पोटेंशियल जो टॉपिक है ना, जो आप पोटेंशियल टॉपिक पढ़ रहे हो, जो विभव टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इसका रियल दुनिया से लेना देना कुछ नहीं है, ये बात याद रखना। इसका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बस इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट। ठीक है, तो V बराबर W बाई Q, ये चीज़ें याद कर लो भाई। ठीक है, क्योंकि तो अनंत, अनंत पे हम क्या पॉइंट मानेंगे, कोई तो पॉइंट मानेंगे ना। अगर मान लो एक पॉइंट दिल्ली में और एक पॉइंट कन्याकुमारी में, तो भी तो डिस्टेंस माना जाता है, रियल में माना जाता है। तो अनंत तो बस चीज़ों को समझाने का एक तरीका है। ठीक है भाई, अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को समझो, जैसे ये है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं बच्चे विभवांतर, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम कहते हैं विभवांतर। ठीक है, विभवांतर कहते हैं। तो मान लो
इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो वर्क डन लगता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमने एक पॉइंट मान रखा है इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट से पहले एक एक चार्ज आया यहाँ पर, और इनफाइनाइट से ही एक दूसरा चार्ज दूसरे पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। तो यहां से यहां पर आने, मान लो ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट बी मान लिया, तो यहां से यहां मतलब इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर आने में जो पोटेंशियल लगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल जो विभव लगा वो कितना मान लिया हमने, वी ए लगा। और बच्चे यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में जो पोटेंशियल लगा वो हमने मान लिया वी बी लगा, जो वर्क डन लगा वी बी है ना, उसे वी ए मान लिया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बस इतना सा है विभव का अंतर। जैसे मान लो एक बिंदु पर, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस बिंदु का विभव 440 वोल्ट है और इस बिंदु का विभव 220 वोल्ट है, ठीक है। तो इन दोनों का, ये दोनों बिन, एक बिन, बिन, देखो विभव जो पोटेंशियल होता है वो एक विभव का होता है, एक पॉइंट का होता है, जो पोटेंशियल होता है बच्चे पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो पॉइंट की वैल्यू होती है। तो ये 440 वोल्ट जो है वो इस पॉइंट के लिए है, 220 वोल्ट जो है बच्चे वो इस पॉइंट के लिए है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अगर मान लो ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट बी मान लिया, तो इनका विभव का अंतर क्या हो जाएगा, बी ए माइनस वी बी, और आप कितना लिखोगे, 440 माइनस में 220, तो कितना हो जाएगा भाई, 220 वोल्ट हो जाएगा। तो यही को, इसी को विभवांतर कहते हैं, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं एक्चुअल में। लेकिन जब हम इसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो किया गया कार्य है उसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर लिखा है, तो जो बैटरीज है, जो घरों में बैटरी होती है इन्वर्टर की, बैटरी लिफ्ट करती है चार्जेस को हायर पोटेंशियल तक, हायर पोटेंशियल से बैटरी लिफ्ट करती है, तो जो चार्ज मूव करता है वो बच्चे हायर पोटेंशियल से, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करता है जो कोई भी चार्ज है, ठीक है भाई। तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ईच कूलम ऑफ चार्ज हैज अ डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी एट आइदर एंड ऑफ द बैटरी, तो यही चीज है भाई। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया वी इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू, यहाँ पे ई का भी यूज कर सकते हो, डब्ल्यू का भी यूज कर सकते हो, अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। तो ये जैसे एक फिगर है, लाइट बल्ब है, तो इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है मतलब वोल्ट है वो ज्यादा है, और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो कम है, वोल्ट कम है, ठीक है। तो वोल्टेज किधर से किधर फ्लो होगा, हाई से लो की तरफ वोल्टेज जो है वो फ्लो होता है, और जिस डायरेक्शन में वोल्टेज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होता है, याद रखेंगे सारी बातें, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई। ठीक है, अरे जवाब तो दे दिया करो भाई। देखो भाई अब मैंने क्या कहा, मान लो बच्चे क्या है कि ये तीन पॉइंट बना दिए, इस पॉइंट पर वोल्टेज जो है वो 11000 वोल्ट है, इस पॉइंट पर है मान लो 440 वोल्ट, इस पॉइंट पर है 220 वोल्ट। तो 11000 वोल्ट कहाँ होता है रियल में, कहाँ होता है, पावर हाउस। 440 वोल्ट कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है, लगे 440 वोल्ट छोड़ने से तेरे, बताओ भाई कहाँ होता है 440 वोल्ट, कहाँ होता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, कहाँ होता बच्चे, ट्रांसफॉर्मर में होता, बिल्कुल सही, ठीक है। और 220 वोल्ट कहाँ होता है, घरों में, हाउस। तो बिजली आपको पता ही है पावर हाउस से ट्रांसफॉर्मर में आती है, और ट्रांसफॉर्मर से कहाँ आती है, हाउस में। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई होगी पहली, कि जो लाइट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है,
उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ लौट, ये एक बात ठीक है। अच्छा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, जैसे इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, 11,000 में से 440 घटा दो, यही आंसर आ जाएगा ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ध्यान से देखो, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब चार्ज भी उसी टाइप से बढ़ेगा, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट भी उतना ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसकी अपेक्षा में कम है, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू भी होगी इसकी अपेक्षा में कम होगी, तो इसीलिए इस करंट को संभालने के लिए मोटा तार चाहिए ठीक है। पावर हाउस से ट्रांसफार्मर के बीच का जो तार है वो मोटा होता है, और ट्रांसफार्मर से जो घर का तार है वो थोड़ा इसकी अपेक्षा पतला होता है ठीक है भाई। तो यही चीज़ आपको समझानी थी। अच्छा लेकिन अगर अगर मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस बना ही ना रहे, मान लो बच्चों यहाँ पर भी 11,000 वोल्ट है और यहाँ पे भी 11,000 वोल्ट है, यहाँ पे भी 11,000 है, यहाँ पे भी 11,000 है, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, देखो भाई अगर दो बिंदु पर सेम वोल्टेज होता है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, क्या होगा, नो करंट ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, याद रखना, चाहे तुम एक एक लाख वोल्ट कर दो चाहे 11,000 कर दो ठीक है। तो दो बिंदुओं के, जैसे मान लो तार है, ये तार है भाई, तो इस तार में यहाँ पे भी सेम वोल्टेज है, यहाँ भी सेम वोल्टेज, तो इस तार को आप पकड़ लोगे लपेट लोगे तो कोई करंट ही नहीं लगेगा ठीक है, वोल्ट नहीं होगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा भाई। आ गया राहुल मान समझ में। अब देखो एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से ठीक है, सीडीएस एफकेट एनडीए एयरपोर्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखो भाई गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है जिससे हम स्मॉल करंट, जो बहुत ही कम करंट होता है स्मॉल, जो कि टेस्टर से भी नहीं समझ सकते, तो ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, उसको मेजर करता है। तो गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट ओनली स्मॉल करंट, तो सिर्फ ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है ठीक है। टू मीजर द लार्ज करंट, अगर लार्ज करंट को हमें मीजर करना है तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, अमीटर में, क्योंकि अमीटर जो होता है वो लार्ज करंट को मीजर करता है और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, किसी भी अगर आपके पास मान लो गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है ही नहीं, तो अगर आपको बच्चे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, तो अगर गैल्वेनोमीटर को बच्चे अमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे पैलर में एक एक शंट को, एक शंट पैलर में जोड़ दोगे। शंट होता है, शंट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, शंट क्या होता है, शंट का मतलब होता है वेरी लो रेजिस्टेंस ठीक है। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस, बहुत ही लो रेजिस्टेंस हमें जोड़ देना, जिसे शंट कहते हैं। और कैसे जोड़ना, पैलर में जोड़ना है ठीक है, गैल्वेनोमीटर के पैलर में जोड़ना है ठीक है भाई। हाँ तो कैसे जोड़ेंगे पैलर में, तो मान लो यहाँ से आई करंट आया, तो आई करंट दो पार्ट में बट गया, यहाँ पे आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर वाला, अगर आई जी इधर चला गया तो इधर कितना आ जाएगा, आई माइनस आई जी आ जाएगा ठीक है। और फिर ये इससे होके गुजरेगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा भाई, और यहाँ से फिर आई जी, ये आई जी करंट यहाँ से, इन दोनों जो करंट है आपस में मिलकर आई बना लेंगे, तो आई जी ये वाला करंट को आई जी लिख दिया, और ये वाला करंट क्या आया, ये वाला करंट आया भाई प्लस में आई माइनस आई जी, तो क्या बचा, आई जी से आई जी कट गया तो बचा क्या आई, तो यहाँ से भाई आई चला था तो इधर भी आई निकला ठीक है। तो भाई अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस गैल्वेनोमीटर के पैलर में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं, तो वो क्या चीज़ है भाई, गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है। बात अगर मैं करूं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने की, तो अगर बच्चे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है
ठीक है, तो वोल्ट तो सबसे पहले बता देता हूँ, वोल्टेज नापता है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, है ना, कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस कॉल्ड मल्टीप्लाई इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमें क्या कर देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, हम क्या कर देंगे भाई, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में समांतर में, मैं पैरेलल कह रहा हूँ सॉरी, सीरीज में, गलती से बोल दिया मैंने, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है भाई, हाँ रियोस्टेट लगा देंगे ना, रियोस्टेट लगा देंगे। रियोस्टेट में क्या होता है ना, कई सारे रेजिस्टेंस होते हैं, आपने देखा ही होगा लैब में बच्चे, तो रियोस्टेट में कई सारे रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसे ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई जो अमीटर है, मैंने आपको बताया जो अमीटर होता है इसे किस में जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं सीरीज में, और जो गैल्वेनोमीटर होता है, सॉरी गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में जोड़ते हैं वैसे, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है इसे भी हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में। लेकिन लेकिन जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं हमेशा पैलर में, किस में कनेक्ट करते हैं, पैलर में। जो रियल वाला वोल्ट मीटर होगा इसमें मत जाना, यहाँ उल्टा है। ठीक है, अरे बामन जी फोन करूंगा भाई मैं, कल कल करूंगा यार, थोड़ा बिजी रहता हूँ, कल करूंगा फोन तुम्हें, तुम मेरा स्टेटस देखे करो, दिन भर क्लास ही लेता रहता हूँ भाई, आज सुबह से 4 क्लास ले चुका हूँ, तो क्लास लेनी है, उन चारों की स्लाइड बनानी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कई बच्चों के मैं फोन अटेंड नहीं कर पा रहा, कई बच्चों को मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, तीन तीन चार चार दिन से मैसेज पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, कल करूँगा तसल्ली से, कल दो ही क्लास हैं, क्लास तो कल भी है लेकिन दो ही क्लास हैं कल, तो कल थोड़ा आराम से करूँगा भाई। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, जो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो ये सारी बातें थी। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक और बात अनाउंस कर देता हूँ, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का बच्चे पार्ट टू था, पार्ट वन था सॉरी, कल मैं पार्ट टू लेकर आ रहा हूँ, कल पार्ट टू पढ़ाऊँगा मैं इसी प्लेटफॉर्म पे, और कल की क्लास जो रहेगी वो 5 बजे रहेगी शाम को, कल की क्लास कितने बजे रहेगी भाई, 5 PM, 5 बजे शाम को कल की क्लास लगाऊंगा मैं। ठीक है, YouTube पे, और शाम को एक एक अनअकैडमी ऐप पर रखूँगा, एक क्लास अनअकैडमी ऐप पर रखूँगा, तो अनअकैडमी ऐप वाली अभी बता नहीं सकता, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर जाके फॉलो कर लें, बाकी जब भी मैं क्लास रखूँ तो आपके पास मैसेज वगैरह आ जाए अगर लेना हो तो। ठीक है, और इसी के साथ एक और बात बताता हूँ कि अगर आपको अनअकैडमी पर, अगर बच्चे आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई भी चीज़ जैसे कि जैसे आपको एयरफोर्स का लेना है, NDA का, CDS का, किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप एक कोड कोड मैं बता रहा हूँ, एक प्रोमो कोड है, इसको यूज़ करना आप, GS01, इस कोड का यूज़ करके आप स्पेशल 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, स्पेशल 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं फीस में, चाहे आपको किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज करना है भाई, स्पेशल आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस कोड को सभी में बताएं, अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है किसी भी चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर बहुत नॉमिनल कॉस्ट को ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर अभी मैं CDS का बैच ये ले रहा हूँ, CDS के लिए फोकस कर रहा हूँ जो मेरा कंटेंट है। ठीक है, तो ये जो मैंने शीट दिखा रहा हूँ आपको, मैं CDS FCAT और CAPF का है, तो देखो भाई CDS को आपको पता है ऑफलाइन में कितनी ज़्यादा फीस होती है, 20-25 हज़ार फीस होती है। ठीक है, तो 12 महीने का जो CDS का सब्सक्रिप्शन है वो 7,920 रुपये का बस, और 24 महीने का कितना, 11,520 का है। तो अगर आप मान लो दिल्ली पुलिस SSC या एयरफोर्स जैसे एग्ज़ाम का लेते हैं,
एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, तो उसमें या TGT PGT, तो उसमें आपको फीस इससे भी कम देखने को मिलेगी। हालांकि मुझे इतना आइडिया नहीं है कितनी है, आप जब पे करेंगे तो आपको दिख जाएगी। तो आप कोई सी भी फीस अगर पे करते हैं, कोई भी पे करता है, कोई भी लेना चाहता है कोई भी कोर्स, तो आप कोड यूज़ करना भाई GS01। तो चलो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, कल के से मुलाकात होगी। तो थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, अपने यूजफुल कमेंट जरूर दें यूट्यूब पे, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, और GS01 को जरूर याद रखें भाई, GS01 इस कोड को जरूर याद रखें। तो इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको स्पेशल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई मिलते हैं कल की क्लास में, राम राम, गुड नाइट, बाय बाय।